शमशाबाद रोड स्थित ऑल सेंट स्कूल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को स्कूल परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदा के चित्र के समक्ष प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ ही विद्यालयों को खेल दिवस एवं जीवन में खेलों के महत्व को बताया गया। इसके लिए विद्यालय के चारों हाउस को अलग अलग गर्ल्स और बॉयज वर्गों में बांटा गया। सर्वप्रथम उद्घाटन स्वरूप बॉयज का कबड्डी मैच रेड और ब्लू हाउस के बीच आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी, बास्केटबॉल आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने की होड़ दिखी। प्रत्येक छात्र प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था, जिससे निर्णायकों को विजेताओं के नाम घोषित करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा था। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नामों की सूची। इस अवसर पर प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हम सभी को अपनी पसंद का कोई ना कोई खेल अवश्य ही खेलना चाहिए। उप प्रधानाचार्य आनंद सिंह ने समस्त शिक्षकों का राष्ट्रीय खेल दिवस को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए धन्यवाद दिया एवं छात्र छात्राओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। विद्यालय के निदेशक त्रिलोक सिंह राणा ने सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल हमारे तन मन को स्वस्थ रखता है। यह तनाव मुक्त रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आज के समय में जहां प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तनाव में है, वहां खेल तनाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये रेड हाउस की रेडर रेड डालते हुए देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।